आप सब लोगों को हरेले की बहुत बहुत बधाई। और ये देखिए हमारा हरेला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है हरेली का त्यौहार, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हरेली की हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, उत्तराखंड में तो हरेली का त्यौहार काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है, और माना ऐसा जाता है कि जब हरेली का त्यौहार आ जाता है तो उसके बाद हरियाली हरियाली हो जाती है। सावन का महीना शुरू होने से दोस्तों कुछ दिनों पहले हरेला बोया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जितना ज़्यादा बड़ा हरेला होगा तो उतनी अच्छी फसल भी होगी। और ऐसा है कि जो सावन का महीना है, आप लोगों को पता होगा, जो हमारे भोलेनाथ हैं, हमारे महादेव, उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, उनके लिए ही ये समर्पित है ये महीना। तो या जो हरेला पर्व है ये भी उनके लिए ही समर्पित है कहा जा सकता है। और बाकी फ़िलहाल की ऐसी स्थिति है कि अभी मैं अपने जो कल आया था अपने दोस्त के यहाँ, चंदन भाई के वहाँ ही हूँ अभी मैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा यहाँ से नज़ारा दिख रहा है। कोहरा कोहरा लगा हुआ है, अभी धूप बढ़िया निकल चुकी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं फूल खिल चुके हैं। और सामने है एक बड़ा सा आड़ू का पेड़ जिसमें काफ़ी सारे आड़ू लगे हुए हैं। अब थोड़ा ही समय है और ये आड़ू भी पक जाएंगे, और ये आड़ू का स्वाद भी काफ़ी समय हो गया है हमने। कड़वे लग रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह उठाऊँ अभी। इस तरफ यहाँ पर जाने बैंड बाजा बज रहा है, किसकी बारात है ना जाने। फिलहाल इसके बाद दोस्तों अभी घर जाऊँगा, क्योंकि हमने भी हरेला बोया है। नहाएंगे धोएंगे बढ़िया करके, हरेले की पूजा करेंगे, और फिर देखो आज क्या पकवान बनते हैं। सही हो रहे हैं आड़ू भी है। पकने के बाद तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल तो मैं अभी यहीं हूँ, अब थोड़ी देर बाद निकलूँगा मैं घर को। तो अब तैयार हैं हम घर को जाने के लिए। फिलहाल मैं रूम पे पहुंच गया हूँ घर में, और अब अगला प्रोग्राम है नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा जो हरेला बोया है उसकी पूजा करेंगे। आप सब लोगों को हरेले की बहुत बहुत बधाई। और ये देखिए हमारा हरेला। तो मम्मी आज क्या लजीज पकवान बनाने वाली है खाने में? पूरी, खीर, बड़े, रायता, और कुछ भी बना सकते हैं। क्या क्या बनाते हैं जानी? छोले भटूरे। एक बार सबको बधाई दो फिर। आपको हरेले की सबको बहुत बहुत बधाई। आप शाम को मिलते हैं जब पकवान बनाएंगे। शाम को मिलते हैं जब पकवान बनाएंगे। तब तक ख्याल रखना अपना। तब तक अपना ख्याल रखना। तो दोस्तों यहाँ मम्मी बना रही है पूरी। पूरी बन चुकी है। मम्मी कैसे बना रही है? आलू की गुटिया बना दी हैं, और खीर बन रही है, और बड़ी बना रहे हैं, और पूरी बन रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब बाय बाय कह दे फिर। हाँ बाय बाय। लेकिन एक बार आखिरी बार तो बधाई दे दे। हरेले की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। फिर मिलेंगे अगली बार। बाय बाय। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। बाय बाय।